हमारा हांडी चिकन तैयार हो चुका है, अब इसे हम लोग उतारेंगे और लिट्टी के साथ सर्व करेंगे। ये हम लोग सर्व कर चुके हैं। मिर्चा तो दे प्याज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हांडी चिकन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह है प्याज, इसमें तेल डाल दिए हैं और मिर्चाएँ। लकड़ी का आग होना चाहिए ताकि टेस्ट और मज़ा आए। सिनेमेटिक शॉट्स भी आपको मिलेंगे इस वीडियो में। ये रहा हांडी, इसमें प्याज डाला हुआ है, इसे भूंज रहे हैं। ये रहा चिकन, हांडी और चिकन का कॉम्बिनेशन से बनेगा हांडी चिकन। और इसके साथ हमारा रहेगा लिट्टी, बिहार का फेमस लिट्टी। देखिए लिट्टी का मसाला बन रहा है, लाल यादव का लिट्टी है। मतलब ये है हमारा आदि, ये है लहसुन, ये है टमाटर, गरम मसाला, धनिया पत्ता, ये सब मसाला, नींबू, ये है सत्तू, ये आटा घर से ही गूंथ के लाए हैं। यहाँ पे लकड़ी का आग होने से इसका टेस्ट में डबल डबल मज़ा आएगा, इसीलिए लकड़ी का ही हमेशा होना चाहिए। हमारा स्पेशल देख रहे हैं चलाने वाला, लकड़ी का डाडू कहते हैं। दालचीनी है, बड़ा इलायची है, लौंग है, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके डालना है। इससे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, स्मेल और टेस्ट में सोना वृद्धि होगा। हम लोग देखिए डाल रहे हैं टमाटर, मीट डाल। तो ये हमारा डला रहा है अब चिकन, बस अब मत उतना ले जाओगे। चिकन पूरा फूल हो गया है, हम लोग का थोड़ा हांडी छोटा पड़ गया है। चलाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे कर इसको उतार, सुनो पत्ता पकड़ के उतार। हमारा मास्टर से अपना कारीगरी दिखाते हुए गरम मीट में अपने हाथ को करछू समझ के मिक्स करते हुए अच्छे से मसाले के साथ। देख लीजिए इस मास्टर शेफ को, कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप इन्हें बुकिंग में भी ले जा सकते हैं। ये चिकन बनाने के साथ साथ इंटरटेन भी करते हैं। ये हमारा नमक है मिलाने के लिए। थरिया हो जाएगा, थरिया लान, थरिया 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 लान, थरिया कीजिएगा। अरे उसमें मिलाएंगे तो ठीक से मसाला सो इसमें तो ये है, छोड़ दे। ये है नमक डालते हुए, मिक्स ना करेगा। ये हल्दी है, ये नमक, ये हमारा चिकन मसाला लगा हुआ कि सब तैयार हो गया है। मिलाना हो तो हम बोले जो जो बच्चे लोग सब तो ला दे रहे अंदर रहेगा ना। अच्छा रहे ए मंटू, तो आज सब उसी में लगेगा। हां हां बाबा बाबा इधर आ कितना। हां बोलता है ये नहीं सही तक डाल के ए मंटू दा ले जा खत्म कर। हां ला पानी ला। अब बर्तन एक और लिस्ट बना लीजिएगा, इसका ऊपर का ढक्कन नहीं मिलने के कारण हम लोग बर्तन से ही काम चला रहे हैं, लेकिन आप लोग भी मिट्टी का ही ढक्कन डालिएगा। आटा का लेप को हम लोग इस तरह से पैक कर देंगे ताकि इसका भाप ना निकले। इस तरह से पैक करके इसको डबकने के लिए छोड़ देंगे। उसका जब ये रेडी हो जाएगा उसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे, ठीक है। मिट्टी बनाने का प्रोसेस चालू हो गया, चिकन को हम भी सने का चिकन को हम लोग आग में डाल दिए हैं बनने के लिए, हांडी में डाल के कम कर दो। ये रहा सत्तू, सब ले लो सब ले लो, आधी लहसुन बारीक बारीक काटेंगे, पूरा बारीक काटते हैं अपना ही मन से। रुकिए ना, हमको बोलने दीजिए।
बारीक काटते हैं आधी लहसुन को। ये मंगरेला और आप ज़्यादा बनाने तो अलग अलग से मिल जाएगा अजवाइन करेगा। ये रहा आटा जो घर से हम लोग सान के लाए हैं। अब इधर कौन दिखाएगा ये वाला जो इसमें होगा। और ये हमारे भैया पत्तल तैयार करते हुए हम पत्तल इको फ्रेंडली पत्तल है। ये धनिया काटते हुए मर्चा उसमें नहीं दिए को कहाँ धनवा इसमें इसमें यूरम नहीं मर्चा कहाँ दिए मर्चा नहीं दीजिएगा दें कैसे नहीं काटने बोल नहीं रहे हम तो इसमें डाल रहे हैं। बोलो सत्तू का मसाला तैयार हो रहा है। नींबू से ना ये हो जाएगा। देखिए वहाँ हम मिर्चाएं काटते हुए हो जाएगा। देखिए वहाँ नींबू 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 डाल रहे खाता देखे वो डाल देखिए वहाँ पे नींबू निकाल दो। एक और ये लिट्टी का मसाला तैयार हो रहा है। लिट्टी के लिए मिर्चाई वैसा मटेरियल तैयार करते हुए और यहाँ सत्तू पे मिक्स किया जा रहा है। क्या क्या मिलाया गया है आप हम लोग का स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे बड़े भैया वो बताएंगे आप लोग को क्या क्या इसमें मिक्स करना है और क्या क्या इसमें डाला गया है। हाँ देखिए मसाला हम लोग तैयार कर रहे हैं लिट्टी का मसाला। इसमें फर्स्ट में सबसे पहले डाला गया है आदी और लहसुन, उसके बाद अजवाइन, मंगरेला, उसके बाद मिर्चाएँ डाले हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद नींबू का रस डाले हैं इसमें और इसको अब मसाला चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। पानी डालो इसको। यहाँ पे आटा हम लोग का पहले से तैयार किया गया है, इसका इसके लिए फिलिंग किया जाएगा अभी थोड़ी देर में जो आप लोग को दिखाया जाएगा। भुरभुरा डाला गया है। अब इसमें काला नमक डाला जा रहा है स्वाद के अनुसार। सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। और नहीं हो तो जरूरत में आप जो रेगुलर खाते हैं अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो घरेलू नमक यूज करते हैं सफ़ेद वाला वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा अब इसमें नमक डाला गया है, इसका टेस्ट लिया जा रहा है मसाले का कि नमक का टेस्ट कैसा है। मेरा ठीक है ना, सही नमक ज़्यादा तो नहीं हो गया। नहीं नहीं ये नमक ठीक है, नमक ठीक है, हल्का ज़्यादा लग रहा है ना। अब इसमें सरसों तेल डाला जा रहा है, सरसों तेल में मिलाया जाएगा। ये जो हम लोग का मटेरियल तैयार हो रहा है लिट्टी के लिए, जैसे अब इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा चुका है और जो सत्तू का जो अपना कलर था वो कलर चेंज होते हुए देखिए हमको बोल दिया। मटेरियल डालने के बाद मिक्स करने के बाद में इसका कलर चेंज हो जाती है ऐसे। मजा आ गया। अब आटा को इस तरह से आपको आटा को भूनते हुए बनाना है और इसके अंदर में ही जो हम लोग का ये तैयार हुआ है लिट्टी के लिए जो हम लोग का मटेरियल है सत्तू का मसाला इसके अंदर डाला जाएगा। दो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको भरना है। इस पर गोल करो ना, गोल करो लो। और इसके मुंह को आप बंद कर देना है इस तरह से। नेरी मतलब समझ ये चलेगा उतना से। देखो उधर आँच ज्यादा हो रहा है, फुरफुरा रहा ठीक है। 2 बज गए हम लोग यही करते थे। 2 बज गए
इतना आज तो दे दिया है यार, लकड़ी ज्यादा नहीं दी है खाना कैसे होना चाहिए सस्पेंड है ना। वो किसका कुत्ता है हमका किसका रामजी का नहीं अनिल का। हमारा हांडी चिकन तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग कितना लजीज दिख रहा है। अब इसे हम लोग उतारेंगे और लिट्टी के साथ सर्व करेंगे, उसके बाद आप लोग जब सर्व करेंगे उस समय दिखाएंगे आपको। पूरी अच्छी तरीके से चिकन पक चुकी है। अब जब सर्व करेंगे तब आप लोग को दिखाएंगे कितना लजीज दिख रहा है, टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ जा रहा है। टेस्ट के लिए हम लोग धनिया का टेस्टी होना चाहिए, धनिया डाल रहे हैं ऊपर से, फ्लेवर आए अलग सा। देखिए लजीज लग रहा है, आप लोग भी ट्राई कीजिए कभी और खा। ये हम लोग सर्व कर चुके हैं, अब ये टेस्ट करेंगे हमारे मास्टर शेफ ही, बताएंगे कैसा है। कैसा लग रहा है? मजा आ गया, अति सुंदर चिकन। चिकन एक बार टेस्ट करके बताइए, दिखाइए बहुत ही, देखिए कितना बारीक बारीक सीझा हुआ है, पका हुआ है, देख सकते हैं। चिकन कैसा लग रहा है? अति सुंदर। अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, और पसंद आया है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और घर में बना के एक बार खुद से ट्राई करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, हमारे चैनल को है, बेल आइकन है तो उसे भी दबा दें। ठीक है तो हम लोग वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है तो इतना ही अब रखते हैं, अब हम खाने का मजा लेते हैं, फिर अगला हफ्ता हो सके आपको नया वीडियो मिलेगा, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।